जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, नया साल अब तो आपके चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको आज जनवरी का आधा करीब महीना हो गया है और राशिफल निकालना शुरू कर दिया मैंने पूरे साल का। तो अब मैं आज से राशियां डालूंगा, शाम से आपको राशियों के बारे में सही जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। हाँ, मेष से लेके मीन तक और क्या प्रभाव रहेगा, कैसा व्यापार रहेगा, कैसा घरेलू जीवन रहेगा, क्या हानि होगी, क्या लाभ होगा, आपकी उम्मीदें आकांक्षाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, और ये जो एजुकेशनल जो फील्ड है उसमें आप क्या कर पाएंगे, क्या कैसे जाएंगे, क्या चलेंगे, वो सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो आज शाम को आपको एक या दो राशियों का मैं आपको आज दे दूंगा, फिर उसके बाद दो दो राशियां रोज आपको बताऊंगा। राधे राधे साहब, राधे राधे। तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक चीज़ और है, कई लोग पूछते हैं, गुरुजी मेरा ये नाम है तो नाम का क्या प्रभाव रहेगा, मेरे पास कुंडली नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, या तो हस्तरेखा से बताइए। किसी किसी की हस्तरेखा भी बहुत कटी फिटी होती है, उसकी क्लियर नहीं होती है, जो नाम के हिसाब से बताया जाता है। यदि आप एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में तो आपको किसी भी चीज़ से निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, यदि आपने मेहनत की है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैंने इस चीज़ को पहले धीरे धीरे लर्न किया, लोगों से गेन किया, कई लोगों ने मुझे बताया भी, छोटे छोटे टिप्स, सूत्र, जन्म से लेकर मृत्यु तक की भविष्यवाणी करने के सूत्र, जिसमें कि मैं कुछ सूत्र ऐसे हैं मित्रों, इतने अचूक सूत्र हैं, वो बाद में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगा आपको, कि उसमें सटीक मालूम पड़ जाता है कि आदमी की अब आयु कितनी रह गई है, कहाँ तक वो अब चल पाएगा। ऐसे सटीक सूत्र ज्योतिष में, ज्योतिष और लक्षण विज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र, तो इतने अचूक सूत्र हैं कि केवल उसके हाथ को, उसके हाथ के उंगलियों को, उसकी अंगूठी की ताकत को, उंगलियों की ताकत को, उसके लचीलेपन को, उसके झुकाव को देख करके ही ये बताया जा सकता है कि अब उसके आगे क्या हाल है, ठीक है ना। तो उस समय जब वो सीख रहे थे तो जोश जोश में भविष्यवाणियाँ भी कर दिया करते थे और वो सटीक बैठ जाया करती थी। फिर मन में एक चीज़ आई कि कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव भविष्यवाणी, भले ही वो सही दिख रही हो, तो भी नहीं करनी है, क्योंकि उससे दिक्कत होगी। उसके मन में वो टाइम या वो घटना घटित होने से पहले ही एक नेगेटिविटी खर्च कर जाएगी और वो कई काम नहीं कर पाएगा, तो वो भविष्यवाणियाँ आदमी के बारे में जो नेगेटिव निकलती है बताना बंद कर दिया गया और सोच समझ के, क्योंकि जैसे जैसे आदमी इस फील्ड में मैच्योर होता है तो वो इन सब चीज़ों को समझता है। फिर जैसे जैसे समझदारी मैच्योरिटी आती गई, वैसे वैसे इन चीज़ों को कम किया गया। पहले मैं बहुत तगड़ी साधनाएं लोगों को बता दिया करता था, जो कि उनको तगड़े अनुभव होते थे, लेकिन फिर वो बंद किया गया, वो कम किया गया, क्योंकि कोई कोई इस चीज़ को नहीं झेलने लायक रहता है तो उसको, या पात्र नहीं रहता है तो उसको वो चीज़ देने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोस्तों, ठंडा मौसम है, सुबह 4-5 डिग्री टेम्परेचर था, अब तो शायद ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तो 10 के आसपास बज रहे हैं। तो चाय की चुस्की है, चाय का गिलास है और ठंडा मौसम है, धुंध धुंध हो रही है, ठीक है ना।
मथुरा में काफ़ी सर्दी पड़ती है ज़्यादा की, दिल्ली और मथुरा दोनों, दिल्ली मथुरा, आगरा में कम पड़ती है थोड़ी, दिल्ली मथुरा में बहुत सर्दी पड़ती है, बराबर सर्दी रहती है लगभग लगभग। अगर दिल्ली में दो टेम्परेचर होगा तो मथुरा में और कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हरियाली ज़्यादा है मथुरा में, तो यहाँ पर और कम होता है, दिल्ली में से मथुरा में कम होता है टेम्परेचर। मौसम को आप जैसा मानोगे मौसम आपको वैसा ही फील कराएगा, और वैसे ही आपके मौसम हावी होगा। अगर मौसम को भारी मानोगे, ख़तरनाक मानोगे, तो वो आपके लिए ख़तरनाक बन जाएगा। मुझे जब भी कभी सर्दी वाले जगह पे या ऐसी जगह पे कभी कुछ जाना होता है तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं पहनता, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादा जो कपड़े धारण कर पहनेंगे ना अपन, तो अंदर से जो गर्मी होती है शरीर की, जो अपने आप ऑटोमेटिक जो गर्म करती है शरीर को, वो कम हो जाती है, तो आदमी को ठंड ज़्यादा लगती है ज़्यादा कपड़ों में। तो इमरजेंसी बाहर जाना होता है तभी मैं कपड़े पहनता हूँ ज़्यादा, अन्यथा एक टी शर्ट, एक हल्की वाली बनियान, वही सैंडो और हाफ पैंट, बस वही रहता है, या अंगोच्छा स्वाफी, क्योंकि मैं उन चीज़ों को सोच लेता हूँ कि कैसे हमारे जवान सियाचिन ग्लेशियर में बैठे हुए, वो भी तो इंसान है, ठीक है, कैसे लोग ध्रुव प्रदेशों में रह रहे हैं, कैसे लोग साइबेरिया में रह रहे हैं, जहाँ के टेम्परेचर एकदम -30 से 70 के बीच में चलता है, वो सब चीज़ें हैं। चलिए मित्रों, अब आपको शाम से आपको राशिफल दिया जाएगा, उसकी थोड़ी सी ना सूत्र देखते हैं कैसा साल बैठ रहा है आप लोगों के लिए। तो सूत्र देखने के बाद जो बचे हुए रह गए हैं वो सबको पूरा करके, और आपके पास एक दो तीन दिन राशि, मतलब आपको कुन राशियों का बताया जाएगा, ठीक है ना। और अगली बार के राशियों के जो मेरे पास आए थे, वो बहुत लोगों के मैसेज आए थे कि वो बिल्कुल सही बैठी है पूरी राशि साल भर की, तो उसमें दोस्तों उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, योगदान होता है ज्योतिष के सूत्रों का, उसमें मेरा कोई महानता नहीं है, उसमें ज्योतिष के सूत्र होते हैं ना वही ज़रूरी होते हैं, उन सब चीज़ों से मालूम पड़ती है। अगर आपको ज्योतिष का सूत्र मालूम होगा छोटे छोटे, तो आप बता सकते हैं कि ये दिन कैसा रहेगा, वो दिन कैसा रहेगा, या वो साल कैसा रहेगा, चलिए ठीक है ना। तो आप बहुत लोग राशिफल की मांग कर रहे थे, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ फिर, क्या शाम से आपको मिल जाएगा राशिफल। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की, जय माँ बगलामुखी, ओम ह्रीम बगलामुखी सब दृष्टान बाजम मुखम पदम स्मृत जी बाम की लोग जय श्री राम स्वाहा।